खरीफ विपणन मौसम में हर साल बैंक गारंटी ली जाती है और जो कोऑपरेटिव बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं को लोन दिया जाता है प्रोक्योरमेंट के लिए, तो 8000 करोड़ का लोन लिया जा रहा है जिसमें सरकार गारंटी दे रही है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में करना होगा तो असिस्टेंट इंजीनियर की एक लिस्ट बनेगी, तो असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट में सीधा एक बार प्रमोट करेंगे आप सभी को, मतलब सामान्य रूप से सीनियरिटी बेस के हिसाब से। लेकिन यह संभावना है कि यदि नहीं भरते हैं तो उसको खाली रखा जाएगा और उसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया हमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले फॉर्मूला वरिष्ठता सूची को एक मानते हुए और ये चेक करेंगे प्रमोशन के बाद कि वास्तव में वो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है 16 और 1 वो वास्तव में मेंटेन इस 83 पदों में हो रहा है नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है और वहीं तमाम 8 एजेंडों पर मुहर भी लग गई है। और आपको बता दूं कि दशहरा के पर्व आने के पहले ही बिहार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा भी दिया गया है। वहीं उस बैठक में क्या कुछ बातचीत किया गया है, पहले आप वो सुनिए। राज्य सरकार के कर्मियों का प्रमोशन से संबंधित है, उस पर निर्णय हुआ है। आज मैं उसके बारे में सभी को जानकारी देना चाहूँगा। राज्य सरकार अभी तक जो व्यवस्था थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा था और स्टे लगा हुआ था, उसके कारण से राज्य सरकार सभी जो कर्मचारी और पदाधिकारियों को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने ही वेतनमान में प्रभार देती थी। इसका मतलब यह है कि जो जूनियर इंजीनियर थे वो कार्यपालक अभियंता की चार्ज में थे अपने ही वेतनमान में, कार्यपालक अभियंता कुछ मामलों में अधीक्षण अभियंता के और चीफ इंजीनियर के भी चार्ज में थे अपने वेतनमान में, इसी प्रकार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के चार्ज में थे। तो जो सभी संबंधित हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर में देखा जाए तो जिनको जॉइंट सेक्रेटरी में होना था वो जॉइंट सेक्रेटरी के प्रभार में तो हैं किंतु डिप्टी सेक्रेटरी का वेतन लेते थे। तो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक नियमावली गठन की गई और इस पर मंत्रिपरिषद में स्वीकृति दिया गया। अब यह निर्णय लिया गया कि अब उच्चतर पद धारक लोक सेवक को उच्चतर पद का वेतनमान और सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब अगर वो डिप्टी सेक्रेटरी हैं किंतु जॉइंट सेक्रेटरी का कार्य कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्रेटरी का उनको वेतनमान भी दिया जाएगा और उनका ये भी उनका जो भी सुविधा जॉइंट सेक्रेटरी होगी। अगर जूनियर इंजीनियर है वो कार्यपालक अभियंता का चार्ज में है तो कार्यपालक अभियंता का जो प्रमोशन के माध्यम से, अब कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अगर कार्यपालक अभियंता का प्रमोशन के पद पर है तो उनको वेतनमान दिया जाएगा। व्यवस्था यह की गई है क्योंकि मामला अभी भी आरक्षण से संबंधित जो प्रोन्नति में आरक्षण का संबंध मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, उसके आलोक में उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जो सारे पद हैं उसमें से 16 और 1% जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो पद हैं उसको अलग पहले कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 100 पद हैं, 100 पद किसी वर्ग में हैं तो 16 पद उसमें से हटा लिए जाएंगे और 1 पद अनुसूचित 16% अनुसूचित जाति का और 1% अनुसूचित जनजाति का, जो 17 पद हैं उसको पहले हटा लिए जाएंगे, मतलब कि आपका 83 पद बच जाते हैं। अब इस 83 पद में जो सामान्य रूप से जो प्रमोशन होता है वो कार्य किया जाएगा और उसके पश्चात यह देखा जाएगा कि हर वर्ग में हर लेवल पे जेई में, एई में या जॉइंट सेक्रेटरी में, डिप्टी सेक्रेटरी में या सहायक में, प्रशाखा पदाधिकारी और अन्य सभी वर्गों में यह देखा जाएगा कि जो अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो उचित है या नहीं, उपयुक्त है या नहीं है। मतलब कि जब आप जनरली उसको आप प्रमोट करेंगे तो यह संभावना बन सकती है कि कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन उच्चतर पद में कम हो जाए तो उतना वेकेंट रखा जाएगा। मतलब कि 83 जो पद हैं, 83 पद में से जब आप प्रमोट करेंगे तो उसका 16% आपका अनुसूचित जाति का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और 1% अनुसूचित जाति का होना चाहिए। मैंने 100 में से पहले आपने 16 हटा दिया अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्व अनुसूचित जाति का और 1 आपने हटा दिया अनुसूचित जनजाति का, तो 17 तो पहले आपने हटा दिए, अब उसको फ्रीज कर दिया कि उस पर कोई प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला अभी भी लंबित है। तो बच गए आपके 83 पद,
नहीं नहीं, आप पहले 100 पद जैसे किसी में, जैसे जब आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ले लीजिए, या तो 100 पद हैं, 100 पद में पहले आप 16 और एक हाफ पहले हटा लेंगे, 17 हट गए तो बच गए आपके 83 पद में। अब आप सामान्य रूप से इसको प्रमोट करेंगे, पूरी एक सीनियरिटी लिस्ट बनाएंगे सभी का। अगर आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में करना होगा तो असिस्टेंट इंजीनियर की एक लिस्ट बनेगी, तो असिस्टेंट इंजीनियर की लिस्ट में सीधा एक बार प्रमोट करेंगे आप सभी को, मतलब सामान्य रूप से सीनियरिटी इसके हिसाब से। लेकिन यह संभावना है कि क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति अपने अलग अलग जगह पे हैं सीनियरिटी की लिस्ट में, वो कहीं हो सकता है कि वो जब फाइनली 83 में जब प्रमोशन होगा तो हो सकता है वो 16 और 1 में, और मतलब 16% इस 83 का 16% और 83 का 1% भरे नहीं होंगे। तो यदि नहीं भरते हैं तो उसको खाली रखा जाएगा और उसके बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। अब बिल्कुल क्लियर हो गया हमें, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले फॉर्मूला देखिए, पहले आपका आप कार्यपालक अभियंता का ले लीजिएगा, 100 पद हैं आपके, 100 पद में पहले आपने 16 पद आपने हटाए अनुसूचित जाति का, और एक पद आपने हटाए अनुसूचित जनजाति का, 17 पद आपने फ्रीज कर दिए, उस पर कोई प्रमोशन नहीं होगा और कोई पदस्थापन नहीं होगा। तो केवल अब पदस्थापन होगा 83 में। अब 83 के लिए आपके पास एक सूची है असिस्टेंट इंजीनियर की, सहायक अभियंताओं की, उसकी वरीयता सूची है। आप उस वरीयता सूची के हिसाब से उसको प्रमोट करेंगे। जब आप उस वरीयता सूची के हिसाब से प्रमोट करेंगे तो हो सकता है कि आप जब वरीयता जनरल, मतलब सभी को एक साथ सामान्य मांग के आप प्रमोट करेंगे एक वरीयता सूची के हिसाब से, तो ये संभावना है कि जब कार्यपालक अभियंता में आप प्रमोट कर रहे होंगे तो उनका जो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन जो है वो 16 और 1 से कम हो सकता है। कुछ जगह हो सकता है, प्रशाखा में हो सकता है, या सहायक से वरीय में हो सकता है, या अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी में हो सकता है कम हो जाए। तो आप उतना पद खाली रखेंगे जितना भरा नहीं जाता है, मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है। 16 और 1 का आप हिसाब से आप उसको चेक करेंगे कि वास्तव में 16 और 1% प्रमोट हुए या नहीं हुए। यदि उतने प्रमोट नहीं होते हैं तो उतने पद खाली रखे जाएंगे और उस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा कि उन पदों को कैसे भरा जाए। ना नहीं, इसमें भी हो गया, 83 टोटल 83 में हुआ। आप 83 मानकर आप प्रमोट करेंगे पूरी वरीयता सूची को एक मानते हुए, और ये चेक करेंगे प्रमोशन के बाद कि वास्तव में वो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है 16 और 1 वो वास्तव में मेंटेन इस 83 पदों में हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उतने पद खाली रखे जाएंगे और उस पर सरकार बाद में निर्णय लेगी। हाँ, मतलब 83 में कोटा, मतलब कोटा वाला पहले फ्रीज किए और उस, ये 2016 से पेंडिंग है, 2016 से पेंडिंग है, मतलब 6 साल से हम लोग प्रमोशन नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए वैकल्पिक रूप से हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि प्रमोशन हो, और साथ ही साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति का जो रिप्रेजेंटेशन है प्रमोशन में बाद में वो भी रहे, और जब फाइनली जो माननीय उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा तो वो जो 16+1 वो फ्रीज्ड वैकेंसीज हैं उस पर भी निर्णय होगा। फिर एक बार फिर से ये पूरी एक्सरसाइज प्रमोशन और रोस्टर की बात की जाएगी। कार्यकारी प्रभार है लेकिन रेगुलर है ये, मतलब रेगुलर वेतन है, मतलब अगर उसको प्रभार आप देते हैं सहायक अभियंता से असिस्टेंट इंजीनियर का, तो असिस्टेंट इंजीनियर का उसको वेतन देना पड़ेगा। असिस्टेंट इंजीनियर साहब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो प्रभार देते थे पहले, आप अपने वेतनमान में देते थे, आप उच्चतम वेतनमान में आप देंगे। मतलब वो क्योंकि मान्य अभी मामला अभी भी मतलब न्यायालय में विचाराधीन है ना, इसलिए कार्यकारी है। बल्कि टोटल पूछ रहे हैं, टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछ रहे हैं। तो इसमें यही है कि भविष्य में नियमित प्रोन्नति अगर माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अन्यथा ऑर्डर होगा तो सभी लोग अपने अपने जो प्रोन्नति पाए हैं वो अपने अपने पद पे वापस चले जाएंगे, और किंतु जो वेतन इस बीच में उन्होंने लिया होगा या सुविधा ली होगी वो उनसे वसूल लिया नहीं होगी। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फाइनल डिसीजन होगा तो सभी लोग अपने अपने पद पे वापस चले जाएंगे, लेकिन हम लोग वसूलेंगे नहीं उनका वेतन। क्लियर हो गया सब ये? और रोस्टर का जो बिंदु है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला अलग है तो तब तक ये स्थगित रहेगा। रोस्टर का जो हम लोग का व्यवस्था है प्रमोशन में,
पहले रोस्टर बिंदु हिसाब से होता था, अब पूरा एक ही सीनियरिटी लिस्ट होगा और फिर हम लोग चेक करेंगे कि अनुसूचित जाति और जनजाति का रिप्रेजेंटेशन उचित रूप में है। और इस संबंध में किसी को कुछ पूछना है? धन्यवाद। मंत्रिपरिषद ने एक निर्णय गृह विभाग से संबंधित लिया है, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केंद्र प्रायोजित विशेष आधारभूत संरचना योजना के अंतर्गत 2022-26 से तक का 37,83,00,000 का योजना स्वीकृत किया है। 37,83,00,000 का ये 22 से 26 का है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का उग्रवादी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का योजना है। बिहार पंचायत सेवा नियमावली 2010 में संशोधन किया गया है और इनकी जो सेवा नियमावली में अब 4 स्तर के होंगे। मूल कोटि होगा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का, प्रथम प्रोन्नति स्तर होगा व्याख्याता मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्था और जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था। तो प्रशिक्षण संस्था के जो व्याख्याता और जो प्रशिक्षण संस्था के ये होंगे इंचार्ज होंगे वो प्रथम प्रोन्नति का होगा। द्वितीय प्रोन्नति स्तर होगा अपर जिला पंचायती राज पदाधिकारी और अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, और तृतीय प्रोन्नति स्तर होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी सह प्राचार्य सहायक निदेशक मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्था जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्था। तो 4 स्तर का है, तो 4 स्तर का पुनर्गठन किया गया है, हम आपको दे देंगे 4 स्तर का। मैडम 4 स्तर का आपको दे देंगे, आप बांट दीजिएगा। तीसरा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था है, GFR 2017 के नियम 144-11 के में संशोधन किया है। प्रोक्योरमेंट मतलब जो टेंडर वेंडर में कौन भाग लेंगे और कौन नहीं भाग लेंगे, इसमें केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसी संस्था डिबार्ड रहेंगी जो मतलब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा से संवेदनशील जो देश हैं उनसे तालमेल रखती हो, उनके साथ साठगांठ करती हो, वैसे कंपनियों का टेंडर में भाग लेना वर्जित रहेगा। मतलब जैसे मैं कोई कंपनी भाग लेती है, अगर उस कंपनी का कोई अग्रीमेंट या डीलिंग या कुछ अरेंजमेंट किसी अन्य ऐसा देश से हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित ना हो, वैसे कंपनियां भाग नहीं ले सकेंगी। अभी कौन सा कंट्री नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से के दृष्टिकोण से ऐसे कंपनियां ऐसे देश से जो तालमेल रखते हों वो रखते। रूल चेंज है, कोई कंट्री का नाम उसमें उल्लेखित है। राज्य के सभी राजकीय दंत महाविद्यालय या राजकीय दंत महाविद्यालय अस्पताल में नामांकन एवं अन्य शुल्क का निर्धारित किया गया है। एडमिशन फीस क्या होगा, ट्यूशन फीस क्या होगा, हॉस्टल फीस क्या होगा, कॉशन फीस क्या होगा, तो सारे फीस का निर्धारित किया गया है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में हुआ है उसी प्रकार डेंटल कॉलेज में भी फीस समान अनुपात में निर्धारित किया गया है। तो चाहिए होगा फीस मैडम आपको दे देते हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था पटना में 149 पदों का सृजन किया गया IGIMS में। खरीफ विपणन मौसम में हर साल बैंक गारंटी ली जाती है और जो कोऑपरेटिव बैंक और अन्य सहकारी संस्थाओं को लोन दिया जाता है प्रोक्योरमेंट के लिए, तो 8,000 करोड़ का लोन लिया जा रहा है जिसमें सरकार गारंटी दे रही है। अंबिका प्रसाद गुप्ता है अपर जिला सत्र न्यायाधीश दरभंगा, तो बर्खास्त हैं, बर्खास्ती आदेश को रद्द करते हुए वापस लिया गया है। ये बर्खास्त हुए थे 3/9/2015 को, उनका बर्खास्त किया था, वापस लिया गया। यही 8 एजेंडा हैं जिस पर आज निर्णय लिया गया। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उस बैठक में 8 एजेंडों पर मुहर लग गई है और वहीं दशहरा के पर्व आने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा भी दिया गया है। और आपको बता दूं कि उस सरकारी कर्मचारियों के तोहफे के लिए यह भी बोला गया है कि उनकी प्रोन्नति पद के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।